राज्यपाल कलराज मिश्र कल से रहेंगे 3 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। शिल्प ग्राम परिसर में 10 दिवसीय उत्सव का करेंगे शुभारंभ। राज्य सरकार ने पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ईआरसीपी निगम का किया गठन। निगम को अंश पूंजी के रूप में दी 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति। जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सीमावर्ती जिला प्रशासन एवं आर्मी के मध्य समन्वय को लेकर आयोजित बैठक को किया संबोधित। कहा, सीमा से लगे हुए जिलों के अधिकारी सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय से कार्य कर सुरक्षा व्यवस्था रखें चाक चौबंद। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। किसानों को खाद की समस्या ना हो, खाद पर कालाबाजारी ना हो, इस संबंध में निर्देश किए गए जारी। प्रदेश में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में चिकित्सा विभाग का महत्वपूर्ण कदम। 167 नई एम्बुलेंस खरीदने के आदेश हुए जारी। आगामी दिनों में होने वाली वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सफल क्रियान्वयन हेतु झालावाड़ में जिला कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। एडीएम झालावाड़ राधेश्याम डेलू को समन्वय किया गया नियुक्त। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी प्रियंका तलानिया ने ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक। आम जन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के दिए निर्देश। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान की अनुपालना में प्रतापगढ़ की गंधेर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता शिविर। मृत्यु भोज निषेध कानून 1960 के बारे में दी गई जानकारी। चूरू में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2022-23 के तहत पेंशनर भवन में आयोजित हुआ ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 31 दिसंबर तक चलेगा यह कार्यक्रम। प्रतापगढ़ में स्वीप गतिविधियों के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धरियावाद के निर्देशन में वोटर हेल्पलाइन ऐप का राजकीय महाविद्यालय धरियावाद में दिया गया प्रशिक्षण। मतदाता पंजीकरण से संबंधित दी गई जानकारी। प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे जन आक्रोश यात्रा के द्वितीय चरण के अंतर्गत निम्बाहेड़ा में 25 दिसंबर को होगा जन आक्रोश महासभा का आयोजन। भाजपा पदाधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है जनसंपर्क। झुंझुनू में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जन आक्रोश यात्रा को किया संबोधित। शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को किया नमन, पुष्पांजलि की अर्पित। जयपुर में एबीवीपी ने भारत की G20 अध्यक्षता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आर्थिक नीतियों में बढ़ता भारत विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय में किया सेमिनार का आयोजन। वक्ताओं ने G20 की अध्यक्षता मिलने पर व्यक्त किया हर्ष। जयपुर पुलिस आयुक्तालय की CST क्राइम ब्रांच द्वारा ड्रग माफियाओं के खिलाफ सिंधी कैंप और कानोता क्षेत्र में कार्रवाई। एक पुरुष और एक महिला को किया गया गिरफ्तार। नशीली दवाओं के पाउडर समेत स्मैक की गई बरामद। और सर्दियों के मौसम को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा बीकानेर बांद्रा टर्मिनस बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का किया जाएगा संचालन। वाया चूरू सीकर जयपुर कोटा रतलाम से होकर चलेगी यह ट्रेन।